आईपीएल 2022 की दो नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद ने घोषित किए अपने कप्तान और कोच, साथ ही खरीदे तीन तीन खतरनाक खिलाड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2022 में 10 टीमें हिस्सा लेने जा रही है, जिनमें से यहां पर दो नई टीमें हिस्सा लेगी जिनका नाम है लखनऊ और अहमदाबाद, और इन दोनों टीमों ने अब अपने कप्तान, कोच और तीन तीन प्लेयर घोषित कर दिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोनों टीमों के कोच कौन होंगे और साथ ही कौन कौन से खिलाड़ी इन टीमों की तरफ से हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो यह सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आईपीएल 2022 की लखनऊ और अहमदाबाद की टीमें सबसे खतरनाक टीमें बने, तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आईपीएल 2022 के लिए दोनों टीमें अपनी पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन ऑक्शन से पहले इन्होंने तीन तीन खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल किए हैं, तो साथ ही अपना कप्तान व कोच भी दोनों टीमों ने घोषित कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए जानते हैं आखिरकार कौन से कप्तान और कौन से कोच इन टीमों के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लखनऊ की टीम की। तो लखनऊ की टीम ने अपना कोच घोषित कर दिया है। लखनऊ की टीम का कोच रहेंगे एंडी फ्लावर, जो कि यहाँ पर शानदार कोचिंग करते हुए नजर आ चुके हैं। इससे पहले भी आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब के कोच रह चुके हैं सहायक कोच के तौर पर, तो वहीं पर इस बार इन्हें मेन कोच का रोल दिया है लखनऊ ने। और ये जिम्बाब्वे में बिलोंग करते हैं, जिम्बाब्वे की टीम के ओपनर बल्लेबाज थे और अब यहां पर हेड कोच होंगे लखनऊ की टीम के। तो वहीं पर लखनऊ की टीम के कप्तान के तौर पर हमें खेलते हुए दिखेंगे के एल राहुल एक बेहतरीन कप्तान है और पिछले तीन साल से इन्होंने बल्लेबाजी से कमाल का परफॉर्मेंस किया है आईपीएल में और हर सीजन में 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं। तो ये यहाँ पर लखनऊ के लिए एक बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं, साथ ही अपनी कप्तानी में भी इस बार कमाल करते हुए नजर आएंगे लखनऊ के लिए। तो वहीं पर लखनऊ के दूसरे प्लेयर के तौर पर यहाँ पर शामिल किया गया है राशिद खान को। राशिद खान भी एक शानदार प्लेयर है, जो कि अपनी गेंदबाजी से अच्छे अच्छे बड़े बल्लेबाजों को चकमा देते हुए नजर आते हैं और इनकी गेंदबाजी पर रन बनाना काफ़ी मुश्किल है, तो इन्हें भी यहां पर लखनऊ की टीम ने अपने साथ शामिल किया है। तो वहीं पर तीसरे प्लेयर के तौर पर एक और स्पिन गेंदबाज यजवेंद्र चहल को यहां पर लखनऊ की टीम ने अपने साथ शामिल किया है। यजवेंद्र चहल भी बेहतरीन गेंदबाज हैं और T20 में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, यानी कि लखनऊ की टीम में ये तीन खिलाड़ी शामिल हुए हैं, केएल राहुल, राशिद खान और साथ ही साथ यजवेंद्र चहल। तो वहीं पर हम बात करें अहमदाबाद की टीम की, तो अहमदाबाद की टीम के कोच होंगे रवि शास्त्री। रवि शास्त्री भारतीय टीम की भी कोचिंग कर चुके हैं, तो इनके पास कोचिंग का काफ़ी सारा अनुभव है, वो यहां पर अहमदाबाद की टीम के लिए अच्छा साबित होने वाला है। तो वहीं पर इस टीम के तीन प्लेयर की हम बात करें, तो यहां पर ये टीम सबसे पहले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को अपने साथ जोड़ेगी। हार्दिक पांड्या वैसे तो मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं आईपीएल में, लेकिन इस बार ये खिलाड़ी अपने होम टीम यानी कि अहमदाबाद से खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये खुद गुजरात से आते हैं। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद दूसरे खिलाड़ी के तौर पर हम श्रेयस अय्यर को इस टीम के साथ जुड़ते हुए देखेंगे। तो वहीं पर इसके अलावा डेविड वॉर्नर भी इस टीम का हिस्सा होंगे, यानी कि तीन बेहतरीन खिलाड़ी ये टीम भी अपने साथ जोड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे श्रेयस अय्यर, क्योंकि श्रेयस अय्यर के पास कप्तानी का अच्छा खासा अनुभव भी है और वो एक युवा कप्तान है जो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करवा सकते हैं अपनी टीम से। दिल्ली कैपिटल को इन्होंने 2020 में फाइनल तक का सफर तय करवाया था। हालांकि इस टीम के पास डेविड वॉर्नर के रूप में भी एक बेहतरीन कप्तान का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन यहां पर यह टीम चाहेगी कि एक युवा कप्तान को कप्तानी सौंपे, ताकि वो लंबे समय तक टीम के लिए कप्तानी कर सके, और इसी के चलते यहाँ पर डेविड वॉर्नर की जगह पर श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया जाएगा। तो दोस्तों, दोनों टीमों के कोच और कप्तान आपको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही दोस्तों, इनके अलावा भी आप इन दोनों टीमों में किन किन खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना चाहते हैं, आप अपने फेवरेट खिलाड़ियों का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।